शहर के सीतावर्डी पुलिस थाना अंतर्गत वाहन चोरी की कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसके लिए स्पेशल स्क्वाड भी बनाया गया था। 19 दिसंबर को पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान महाराज बाग रोड पर एक व्यक्ति मोपेड गाड़ी के साथ संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस अधिक पूछताछ करने पर व्यक्ति के पास की गाड़ी चोरी की है ऐसा पता चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। शहर के सीतावर्डी पुलिस थाना अंतर्गत वाहन चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ था, जिसे देखते हुए स्पेशल स्क्वाड भी बनाया गया था। 19 दिसंबर को बड़ी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखाई दिया। पुलिस ने अधिक पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि व्यक्ति के पास की गाड़ी भी चोरी की है। पुलिस ने आरोपी से अधिक पूछताछ करने पर आरोपी ने इससे पहले भी कई वाहन शहर के अलग अलग परिसर से चुराने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया। बर्डी पोलीस स्टेशन मध्ये वाहन चोरीच्या भरपूर तक्रारी आल्या होत्या, त्यानुसार स्पेशल स्क्वाडही केला होता। 19 तारखेला महाराज बाग या ठिकाणी एक संशयित इसम आढळून आला। त्याच्यामध्ये API चंदन, आमचे जयपाल राठोड, गौतम अशा प्रकारचे जे ह्या स्टाफ होता त्यांना संशय आल्यामुळे त्याला अडवलं। अडवल्यानंतर त्याला पोलीस स्टेशनवरून चौकशी केली असता सदर इसमाकडे असलेली जी मोपेड होती ही चोरीची असल्याचे आढळून आले। त्याबद्दल तपास केला असता ती सीतावर्डी पोलीस स्टेशन याच ठिकाणी त्याबद्दलचा गुन्हा दाखल होता, त्यामुळे त्याला अटक करून अधिक चौकशी करण्यात आली। त्यावेळेला तपासामध्ये त्यांनी नंदनवन, धंतोली, कळमना या ठिकाणी पण बाईक चोरी केल्याचं कबूल केलं। पण त्याप्रमाणे 19 मोपेड या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याकडनं। आरोपीचं नाव ऋषभ असोम असं आहे, हा राहणारा कळमण्याचा आहे। आणि बर्डी पोलीस स्टेशन येथे यापूर्वीही त्याच्याविरुद्ध वाहन चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। आरोपी ने शहर के अलग अलग कई परिसर से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन आखिरकार सीतावर्डी पुलिस कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज, नागपुर।